हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। नाउ ये दोनों फिगर जो है इस पे, अब इसी को जो है यहाँ पे इलोबरेट किया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन ए बी बिकम्स ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज विच ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड सी, वेयर we know that the velocity, this is the velocity of light. So according to Huygens principle, each point on AB becomes a source of secondary disturbances which travels with the same speed c. To find the new wavefront after time t, we draw a sphere. यहाँ से फिगर में देख रहे हैं, we draw a sphere. ये sphere को हमने draw किया है at radii c t फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ ए बी। नाउ इसके बाद यहाँ से हमने टेंजेंट डाला है, ये टेंजेंट डाला है सेकेंड पोजिशन में। द टेंजेंशियल सरफेस सी डी, ये जो है आपको सी डी जो है ये आपको टेंजेंशियल सरफेस कहला है। तो द टेंजेंशियल सरफेस सी डी ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स गिव द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। द टेंजेंशियल सरफेस सी डी ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट गिव द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। नाउ द लाइन ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड सी डी। द लाइन्स ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड सी डी। ए बी पे भी है आपको परपेंडिकुलर है और सी डी पे भी परपेंडिकुलर है। यहाँ से देख ही रहे हैं, ये लाइन ए बी और सी डी दोनों ही पे आपको परपेंडिकुलर है। सो द लाइन्स ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश आर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड सी डी। ये दोनों जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अलॉन्ग दीज लाइन एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए बी टू सी डी, सो दीज आर कॉल्ड रे। ठीक है, ये आपको जो है रे कहलाती है। ये लाइन जो है ये यहाँ से देख लीजिए, ए ए डैश बी बी डैश सी 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 डैश डी डी डैश, ये सारे के सारे जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे और सी डी पे। और जहाँ से ये एनर्जी जो है वो ए बी से जो है वो सी डी की ओर फ्लो करती है, और यही जो है आपको परपेंडिकुलर जो है वो आपको रे कहलाती है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी से जो है हम लोग इसको करेंगे। ये आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ए बी जो है वो आपको प्लेन वेव फ्रंट है। तो लिखा ही हुआ है कि कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसीडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, बोथ द वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो है आपको वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों जो है वह आपको परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, नाउ the wave front touches the point B, the wave front touches the point B and then at the successive point through towards C. इसके बाद ये आपको C की ओर मूव करता है। सो ईच पॉइंट ऑन बी सी, हर एक पॉइंट जो बी सी का है, सेकेंडरी वेवलेट्स आर ग्रोइंग विथ स्पीड ऑफ C. तो आपको जहाँ से टच करता है और सी की ओर बढ़ता है, तो बी और सी का जो आपको हर एक पॉइंट होता है वो सेकेंडरी वेवलेट्स को ओरिजिनेट करता है, और वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स को ओरिजिनेट करता है उसकी वेलोसिटी आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। सो एट ए सी इज इक्वल टू बी डी बराबर सी इंटू टी, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। तो सी इंटू टी, यहाँ c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है और t टाइम है। नाउ लेट एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड रिफ्लेक्शन बी i एंड r रिस्पेक्टिवली।
तो आपको ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीबी, ए बी सी, यहाँ से देखिए ए बी सी एंड एंगल ट्रायंगल डीसीबी, इसमें जो है बी ए सी और ट्रायंगल सीडीबी वो दोनों जो है 90 डिग्री है, बी सी जो है बी सी आपको दोनों में कॉमन है, बी सी इज कॉमन, ए सी इज इक्वल टू बी डी, बराबर पहले ही बतला चुके हैं कि सी इन टू टी, सो ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी बराबर है, सो एंगल ए बी सी एंड एंगल डी सी बी इज इक्वल, सो एंगल ए बी सी वो आपका एंगल आई है और डी सी बी जो है वो आपको एंगल आर है, हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये यहाँ से फिगर में देख लीजिए, ये ए बी सी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल डी सी बी है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये दोनों जो है बराबर हैं, ठीक है, ये देख लीजिए बी ए सी, बी ए सी ये आपको जो है 90 डिग्री है, सी डी बी ये आपको जो है 90 डिग्री है, बी सी जो है वो आपको कॉमन है, और ए सी और बी डी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस जो है इक्वल है, सो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, इसलिए जो है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी इक्वल है, इसलिए एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी इक्वल है, हैंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आई और डी सी बी इज इक्वल टू आर, हैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस वेव थ्योरी, ये आपको जो है डेंसर मीडियम है जहाँ पे वेलोसिटी वी टू के साथ चलती है, ये रेयर मीडियम है वेलोसिटी वी वन के साथ, और जानते हैं कि जैसे जैसे मीडियम डेंस होता चला जाएगा वेलोसिटी जो है लाइट की वो डिक्रीज करती चली जाएगी, सो इस कारण से जो है वी टू इज वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम डेंसर मीडियम में है इज लेस देन दी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। नाउ द वेव फ्रंट फर्स्ट स्ट्राइक ऑन द पार्ट ए, दी वेव फ्रंट यहाँ से आ रहा है वेव फ्रंट, फर्स्ट स्ट्राइक ऑन दी पॉइंट ए देन एट द सक्सेसिव पॉइंट टुवर्ड्स सी, ये आपको ऐसे मूव करता हुआ सी की ओर चला, ठीक है, सो फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का जो ईच पॉइंट है वो आपको सेकेंडरी वेवलेट्स को ओरिजिनेट करने लगा, क्योंकि ये फ्रेश सोर्स हो गया है आपको नए डिस्टर्बेंसेज के लिए, ए सी इज़ दी फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेज, तो ये न्यू डिस्टर्बेंस यदि ओरिजिनेट कर रहा है तो यही आपको सेकेंडरी वेवलेट होते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट होते हैं, ये आपको जो है ग्रो करना स्टार्ट करते हैं सेकेंड मीडियम में विथ वेलोसिटी वी टू। नाउ डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू वी वन टी और डिस्टेंस ए टी इज इक्वल टू वी टू टी फ्रॉम राइट एंगल ए बी सी, ए बी सी में जो है यहाँ से आइए साइन बी ए सी साइन आई हुआ, ये बराबर हो जाता है आपको बी सी बाई ए सी, और साइन आर बराबर जो हो जाएगा साइन आर जो आपको डी सी बी का एंगल है, साइन आर जो है ये आपको डी सी बी का जो है एंगल है, ये आपको डी सी ए का जो एंगल है वो साइन आर बराबर हो जाएगा आपको ए डी बाई ए सी, साइन आर का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी बाई ए सी, तो साइन आई बाई साइन आर बी सी बाई ए डी जो है वो कट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपको आ जाएगा बी सी बाई ए डी, बी सी जो है वो आपको है वी वन टी, पहले ही लिखा बताया जा चुका है बी सी इक्वल टू वी वन टी और ए डी इक्वल टू वी टू टी, सो टी से टी को कैंसिल कर दीजिए, सो साइन आई बाई साइन आर बराबर वी वन बाई वी टू, ये आपको जो है स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ होता है।